Good evening everybody, this is Khushi from Lexus and Company. In this video we will discuss how LMD calculated in India. यानी कि LMD amount के बारे में वैसे हमने discuss कर लिया है, but now we will discuss about the LMD amount को किस तरीके से calculate किया जाता है. So while we have जो हमने बताया आपको सारी चीज़ें parameter and factor that the family court consider while deciding to get the LMD and what amount to her to be get. In reality there is no formula used by the family court. यहाँ पर कोई formula नहीं होता है कि इस formula के बेस पर आपको LMD amount दिया जाएगा. Court are arrived at the particular LMD figure, यानी कि एक particular LMD figure बनाती है कि इतना ये condition है, ये parameter है, इस बेस पे इसको इतना देना चाहिए. However, court ascertain the frequency at which the alimony will be paid by the husband to the wife, either at the time of the divorce or post divorce is granted. One time lump sum payment or regular monthly payment. So basically, alimony में amount दो तरीके से दी जाती है. या तो शादी से पहले, before divorce. Divorce से पहले जो आपको day to day, या तो शादी के बाद भी, या तो पहले दे दो या तो बाद में दे दो. Sorry, divorce से पहले भी या बाद में. बट या तो रेगुलर बेसिस पे लो या तो लमसम अमाउंट एक बार में ले लो, वन टाइम अमाउंट जिसे कहते हैं. एज पर द डायरेक्टिव ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन वन टाइम लमसम पेमेंट मोड द हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू पे ईदर वन थर्ड और वन फिफ्थ ऑफ इज टोटल नेटवर्थ. यानी कि मान लीजिए कि उसका टोटल जितना वो कमाता है उसका या तो वन थर्ड या तो वन फिफ्थ अपनी वाइफ को देगा वो, टू आर एक्स वाइफ. The amount paid is one time settlement and once divorce is granted the amount is to be paid. Ex-wife जो है cannot claim any additional amount from her husband. जो उसके बाद जो ex husband होगा उसे बाद में दोबारा नहीं मांग सकती है. However, if the family court decide that the ex husband must pay any alimony amount on monthly basis to the ex-wife, then as per the directive the Supreme Court ऑल्सो सेट दैट वन फोर्थ ऑफ द नेट मंथ लाइक मंथली मंथ की सैलरी उसकी जितनी आती है उसका वन फोर्थ जो होगा उसको कैलकुलेट करके उसको देना होगा. ये चीज़ नोट कर लिया जाए इसमें कि जो फैमिली सॉरी द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग दैट द एलिमनी मे वेरी फ्रॉम स्टेट स्टेट फैमिली कोर्ट जो होते हैं उन पर वेरी करता है, आप पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. द कॉमन डायरेक्टिव एज इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर कैप्ट इन टू द कंसिडरेशन बाय द लोकल फैमिली कोर्ट. यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट बेसिकली हर केसेस में डिसाइड करता है उसी चीज़ को आगे देखा जाता है. सो बेसिकली दिस इज एंड ऑफ दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.